आई फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सरकारी कर्मचारी को उसके सर्विस पीरियड के दौरान दिए गए एक्सेस पेमेंट से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए एक फैसले के बारे में चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गलती से हुए अतिरिक्त भुगतान यानी एक्सेस पेमेंट को सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट के बाद वसूला नहीं जा सकता, यानी वसूलना गलत है। किसी कर्मचारी को किए गए अतिरिक्त भुगतान एक्सेस पेमेंट को उसके सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट के बाद इस आधार पर नहीं वसूला जा सकता कि वेतन वृद्धि गलती से हुई थी। अतिरिक्त भुगतान एक्सेस पेमेंट की वसूली पर अदालतों द्वारा रोक इसलिए नहीं लगाई जाती कि यह कर्मचारी का अधिकार है, बल्कि कर्मचारी को होने वाली मुश्किलों से राहत देने के लिए न्यायिक विवेक के आधार पर ऐसा किया जाता है। अगर कर्मचारी को किए गए अतिरिक्त भुगतान का कारण उसकी ओर से किसी तरह की धोखाधड़ी, गलत दस्तावेज पेश करने के कारण नहीं है, तो इसे वापस नहीं वसूला जा सकता। अगर अतिरिक्त भुगतान एक्सेस पेमेंट कंपनी की ओर से गलत हिसाब करने या भत्तों की गणना में गलती से किया गया हो, तब भी इसे सेवानिवृत्त रिटायर होने के बाद वापस नहीं वसूला जा सकता। सरकारी कर्मचारी, खास तौर से निचले पायदान वाला व्यक्ति, अपनी आमदनी का ज्यादा हिस्सा अपने परिवार के कल्याण में खर्च कर देता है। अगर कर्मचारी को अतिरिक्त भुगतान एक्सेस पेमेंट लंबे समय तक किया जाएगा, तो वह यही समझेगा कि वह इसे पाने का पात्र है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल निवासी थॉमस डेनियल की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया। डेनियल से जिला शिक्षा अधिकारी ने 1999 में सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें मिली वेतन वृद्धि लौटाने की मांग की थी। मतलब यदि कोई सरकारी कर्मचारी सर्विस पीरियड में एक्सेस पेमेंट यानी ज्यादा पेमेंट ले लिया है और वह रिटायर हो गया है, तो सरकार उससे एक्सेस पेमेंट की रिकवरी नहीं कर सकती है।